गुड इवनिंग दोस्तों, COVID-19 का अनलॉक 1 अनाउंस हो चुका है 1 जून 2020 से। कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन हमें फॉलो भी करनी चाहिए, ये हमारे सेफ्टी के लिए है। मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी ड्यूरिंग COVID-19, हमें क्या करना चाहिए, GST में हमारा इंटरेस्ट कैसे जगे, तो मैंने कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर की थी। आज उसी सीरीज में एक कहानी और शेयर करता हूँ कि जब हमें सब कुछ नेगेटिव दिखे तो हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। एक बिजनेसमैन की कहानी है, उसने स्टार्टअप चालू किया और उसका स्टार्टअप हो गया फेल, और वो किसी के साथ लव में भी था तो लड़की छोड़ के चली गई। बेचारा बिजनेस में भी फेल और पर्सनल लाइफ में भी फेल। इस व्यक्ति को एक बार एक बड़े सम्मेलन में बुलाया गया और उससे पूछा गया, जब ये सफल हो चुका था, कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताइए कि आपने अपने आप को कैसे टर्न अराउंड किया। तो उसने उस ऑडिटोरियम में कहा, मैंने 3 गुरु अपने लाइफ में फॉलो किए। जब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, मेरा बिजनेस लॉस हो चुका था, पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, मैं डिप्रेशन में था, तो मैं अपने घर छोड़ के बाहर निकल गया। जब मैं दूसरे शहर गया और रात हो चुकी थी, मेरे रहने का कहीं पे कोई इंतज़ाम नहीं था, मैं ठिकाना देख रहा था कहाँ रहूँ, तो मैंने देखा एक व्यक्ति अपने वॉल पे होल कर रहा था। उसने उस व्यक्ति से कहा, भैया मुझे रात भर आप यहाँ रुकने के लिए दोगे? वो व्यक्ति बोला, अरे हट, मैं खुद चोर हूँ, तुझे कहाँ से जगह दूंगा। तो उसने फिर रिक्वेस्ट की, भैया कहीं कुछ थोड़ी सी जगह आप मुझे दे दो। तो चोर को इस बिजनेसमैन के ऊपर जो थका हारा था दया आई, वो अपने घर ले गया और घर पे उसने रखा। तो चोर जब भी चोरी करने जाता, 10-15 दिन रहा था, तो जब भी चोरी करने जाता तो वो बिजनेसमैन से बोल के जाता था, देखो तुम आराम से सोना, प्रभु का नाम जरूर स्मरण कर लेना, प्रभु को जरूर याद कर लेना और आराम से सोना। जब सुबह वो चोर आता था तो फिर ये बिजनेसमैन उससे पूछता था कि भाई क्या हुआ, आज कुछ मिला? तो चोर बोलता था, नहीं आज तो कुछ नहीं मिला, पर चिंता की कोई बात नहीं है, प्रभु कुछ ना कुछ अच्छा इंतजाम करेंगे, कल देखते हैं। और इस तरीके से 15 दिन बीत चुके और हर बार चोर यही कहता था, उसे भगवान पे इतना भरोसा था कि कुछ अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने प्रभु पे पूरा विश्वास है। इस बिजनेसमैन ने पहली शिक्षा ली कि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। दिन बदलेंगे, जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, इसी तरीके से इस चोर ने ये शिक्षा दी थी कि नहीं आज कुछ नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी। उसने दूसरी बात बताई कि जब वो भूखे प्यासे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो एक बार बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी, कुछ प्रोविजन था नहीं, तो उनको एक कुत्ता दिखा जो तेजी से दौड़ा जा रहा था, तो उस कुत्ते के पीछे हो लिए। कुत्ता एक नदी किनारे के पास पहुंच गया तो इस बिजनेसमैन ने पानी पी के अपनी पहले प्यास बुझाई, फिर उनने देखा कि कुत्ता भी पानी पीना चाहता था लेकिन पी नहीं रहा था, वो बार बार किनारे पे जाता और किनारे से वापस आ जाता, बार बार इस तरह से कर रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहे थे ऐसा क्या हुआ कि कुत्ता पानी नहीं पी रहा, तो उन्होंने देखा कुत्ता अपनी परछाई से, जो उसकी खुद की परछाई पानी पे पड़ रही थी, उससे डर रहा था। पर उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि इस कुत्ते ने अपनी दम एक जगह, एक स्ट्रांग विल अपने मन के अंदर लेके आया और उसने जंप मार दी और वो पानी में छलांग लगा ली और उसने अपना पानी पिया। तो दूसरी शिक्षा इन्हें यह मिली कि जब कठिनाइयाँ आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो एक बड़े जंप मारने की ज़रूरत है, क्या मालूम उस जंप के नीचे आके सारी चीज़ें जो कठिनाइयाँ हमें लगती हैं
जो परेशानियां हमें लगती हैं और जो हमें लगता है कि हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, वो सब खत्म हो जाए। एक जंप हमें टर्न अराउंड कर देगा। कुत्ते के साथ ऐसा ही हुआ। वो परछाई से डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जंप मारा उसका डर निकल गया। तो कई बार डर के आगे जीत है, हम जो कहते हैं ना, वो हमें ही करना पड़ता है और हमें करना चाहिए। तीसरी शिक्षा उन्हें ये बताई कि गांव जब वो गया तो उसने देखा एक बच्चा मोमबत्ती जला रहा था। तो इनके मन में कुछ मजाक आया तो उन्होंने बच्चे से पूछा, अरे आप ये मोमबत्ती जला रहे हो, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बच्चा मनी मन सोचने लगा, ये मेरा मजाक कर रहा है, मेरा लुफ्त ले रहा है। उसने फट से मोमबत्ती को बुझाया और फिर इसी बिजनेसमैन से पूछा, अब तुम बताओ ये प्रकाश गया कहाँ? अभी पूछ रहे थे ना प्रकाश आया कहाँ से, अब तुम बताओ ये प्रकाश गया कहाँ? तब इस बंदे को एक बात और समझ में आई और इस बच्चे से उसने सीखी कि अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार हमें घमंड होता है ना, अपने ज्ञान का, अपने पैसे का, अपने रूप का, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको घमंड है तो ऐसा कहते हैं, शमशान में जाके देख लें कितने बड़े बड़े जो अपने पे नाच करते थे वो आज राख में तब्दील हो चुके हैं। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रूप हो, रंग हो, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आई इस बिजनेसमैन से कि हम सबकी भी लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। पॉजिटिव रहिए, दिन बदलेंगे, प्रभु पे विश्वास रखिए, प्रभु हम सबका ख्याल रखेंगे। आप स्मरण तो कीजिए, उन्हें मन में तो बसाइए। दूसरा, डरना नहीं है। ये जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं। कई बार हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम से मिलती हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। COVID-19 ने बहुत कुछ सिखाया है हम सभी को। और तीसरा, घमंड नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ, जिससे हम सबके साथ रहें। क्योंकि आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा करेक्टर, आपका अच्छा नेचर ही आपके बाद, मेरे बाद, किसी के भी बाद वही याद किया जाता है। उसका ज्ञान, उसका पैसा, उसका रूप अगर किसी के काम आया है तो उसकी याद होती है और उसी बहाने उसको याद किया जाता है। तो कुछ अच्छा करिए जिसे लोग आपको और हमको याद करें। यही एक टेक है जो हमें लाइफ में लेके चलना चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बता दी, अनलॉक वन ओपन हो चुका है। COVID-19 का टाइम पीरियड चल रहा है, हमें कॉशन रखना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से मेरे ब्रदर सिस्टर ऑफिस के लिए जाना भी चाहते हैं और कई जा भी रहे हैं और कई नहीं भी जा रहे। मैं तो यही कहूँगा, आप अपना पहले ख्याल रखिए। ये सिचुएशन हमें ये इनवाइट करती है, पहले हम अपने आप को सेफ रखें और फिर हम अपने काम को आगे लेके जाएं। जान है तो जहान है। अब आता हूँ GST के इंटरेस्ट के ऊपर। मैंने जब 4 वीडियोज रिकॉर्ड किए कि GST में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, तो मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई। मैंने कई वेबिनार भी किए थे इस दौरान COVID-19 में, वहाँ पे भी कई दोस्तों ने मेरे पास ये रिक्वेस्ट भेजी, सर एक GST का कोर्स स्टार्ट कीजिए। मुझे लगा मुझे GST का कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। एक एडवांस GST कोर्स हमने स्टार्ट करने का मन बनाया है। 9th of June 2020 से 15 डेडिकेटेड सेशन होंगे, वेबिनार। 2.5 घंटे का एक सेशन होगा, टोटल 45 आवर्स का हम सेशन एडवांस GST कोर्स करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने कोशिश की है कि बाज़ार में बहुत से वेबिनार, बहुत से फ्री कोर्सेस एंड बहुत से ऐसे कोर्सेस जो 1000 रुपीज़, 1500, 2000 रुपीज़ में हो रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं कुछ करूँगा तो अच्छा करूँगा, यूनिक करूँगा और सबसे डिफरेंट करूँगा। मैंने कुछ ऐसे ही प्लान किया है।
मैंने 15 डेडिकेटेड सेशन को इस तरह से सजाया है कि आप बेसिक से एडवांस जीएसटी विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज में करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। हम सब मिलकर जीएसटी सीखने की कोशिश करेंगे। और इन 15 डेडिकेटेड सेशन में मैंने दो क्लासेस जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट जीएसटी आर 9 और 9C के लिए रखी हैं। आपकी तैयारी कि आप 9 और 9C कैसे भरेंगे, एनुअल रिटर्न और जीएसटी आर 9C जो जीएसटी ऑडिट है उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 है, तो प्रैक्टिकल क्लॉज बाय क्लॉज जीएसटी आर 9 और 9C भरना हम सीखेंगे। दो क्लासेस मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखी हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। हम कई बार कई वेबिनार में देखते हैं स्पीकर आते हैं, उनने अपना डिलीवरी दी, क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह जाते हैं। हम पार्टिसिपेंट्स के प्रैक्टिकल केस स्टडी को एक बैकग्राउंड मटेरियल में लेके जाएंगे और उन सारे क्वेश्चन का आंसर्स दो सारे सेशन के अंदर मैं जीएसटी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ ही करने की कोशिश करूंगा। तो एक और कोशिश, जैसे जब जीएसटी आया था तब हमने ऑल इंडिया बेसिस पे आई फील प्राउड कि हमने जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट कराई थी। आज जब COVID-19 का टाइम पीरियड हम घर पर हैं, हमारे पास समय है, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा जीएसटी का एडवांस जीएसटी कोर्स हम मिलके करें जिसमें आप पार्टिसिपेट करें। और दिस शुड बी द बेस्टेस्ट, मैं तो ये चाहता हूँ बेस्टेस्ट जीएसटी एडवांस कोर्स हो। आप कहें, आप लोगों से कहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं तो ऑलवेज यही कहता हूँ, वॉक द टॉक, जो हम कहते हैं उसे करने की कोशिश करें और हम सब मिलके चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैंने आज ये कोशिश की आपको ये बताने की कि जीवन में सफल होने के कुछ मंत्र हमें अडॉप्ट करने चाहिए जो आपको अच्छे लगे। सिकंदर जब इस मरने के बाद जा रहा था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को ये रहे कि हम मरने के बाद खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें ये बताती है हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। पॉजिटिविटी इस चोर ने सिखाई, उसे कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी वो इससे ये कहता था प्रभु जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। और उस कुत्ते ने ये सिखाई एक जंप, जब मुश्किल हालात हों, कठिनाइयाँ हों, एक जंप मारना है मन से। अगर हम वो जंप मारेंगे तो डर के आगे जीत है। तो मिलके हम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वॉक द टॉक, मेरी कोशिश एडवांस जीएसटी कोर्स के। आपको लिंक दी हुई है, आप इसमें डिटेल्स स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड फॉर रजिस्ट्रेशन यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। वी आर स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे 9 जून 2020, 4 PM टू 6:30 PM, 45 hours डेडिकेटेड एडवांस जीएसटी कोर्स। मिलके हम सब जीएसटी सीखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।